अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली आकिफ, आपका होस्ट लाइव विद आकिफ के साथ। और आज जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं आपको। इस वक्त जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि किनाल रोड के ऊपर, और ये जो लिंक कर रही है मोटरवे को, ठीक है। मैंने पहले भी इस पर डिस्कशन की है, ठीक है। और लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि वी आर हियरिंग द न्यूज़ के हमारे पास ये DHA जो है वो फैसलाबाद लॉन्च होने जा रहा है, और ये कहाँ लॉन्च होने जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली जब हम किनाल रोड पे, बेसिकली किनाल रोड जब एक्सटेंड होती है, ये बाहर बाहर से इन्होंने मोटरवे को लिंक किया हुआ है, आप रिंग रोड भी कह सकते हैं इसको फैसलाबाद की, तो इसी के ऊपर वापरा सिटी आता है। तो वापरा सिटी से पहले मीन्स अगर मैं मोटरवे से साइयां वाला का इंटरचेंज लेके फैसलाबाद को ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये उसके ऊपर बेसिकली आ रही है, ठीक है। और आप ये देख लें कि वापरा सिटी से पहले अगर ये बनेगी, तो ये आपका चक चुमरा और ये जो आपकी फैसलाबाद सांगला रोड है, ये ऑलमोस्ट उसको भी टच करेगा। तो ये रोड बेसिकली लिंक करता है आपका किनाल रोड को कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी कि M3 इंडस्ट्रियल स्टेट, और फिर मोटरवे पे जाके निकलता है। ये किनाल रोड है, ये बहुत पहले इन्होंने डेवलप कर दी थी। पहले किनाल रोड तक ये एक्सेस थी, किनाल रोड के बाद ये हाईवे को टच कर जाती थी, लेकिन इन्होंने नई रोड निकाली है 8 से 5 साल पहले, जो कि वापरा सिटी के आगे से होती हुई फिर ये आगे ट्रैवल करती है, और चक चुमरा को के बाहर से निकलती हुई इंडस्ट्रियल स्टेट M3 है ना, उसको ये उसके सामने से गुजर के मोटरवे को टच कर जाए। DHA की जो लोकेशन है, जो सुनने में आ रहा है, वो बेसिकली हमारी यही है कि जी वापरा सिटी के साथ सितारा ग्रुप की कुछ लैंड पड़ी है, उनकी हाउसिंग कॉलोनीज भी हैं, उनके साथ DHA जो है वो अपना वेंचर स्टार्ट कर रहा है, मीन्स उसी लैंड के साथ कहीं। तो ऑब्वियसली वो जो लैंड है वो एकड़स में उन्होंने परचेज करनी है, हज़ारों एकड़ में परचेज करनी है। जब वो लैंड की एक्सपेंशन होगी और वो जब लैंड एक्वायर करना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली इस मेरी पुरानी वीडियोस को अगर आप देखें जो मैंने इस इलाके के हवाले से बनाई हैं, उसमें ऑलरेडी एकड़ का लैंड है जो मेन लोकेशन पे, जैसे किनाल रोड के साथ आप ये देख लेंगे जो लैंड्स हैं, ये करोड़ों के अंदर हैं, मतलब 60-70 लाख 80 लाख करोड़ रुपया इस तरह है। तो जब DHA आएगा तो ये बहुत बड़ा जो है ना, एक गेम चेंजर होगा। लेकिन अगर DHA यहाँ से, मतलब फैसलाबाद से वापरा सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे है, और कम से कम वो छोटी लैंड तो लेने नहीं वाले, ठीक है, और वो बड़ी लैंड लेते हैं, आपको पता है हज़ारों एकड़ में लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ होगी हमारे पास, तो यहाँ पे जो लैंड्स हैं हमारे पास, या उनकी जो प्राइसेस हैं, ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएटेड हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन ये और अप्रिशिएट हो जाएगी। और आप समझ लें कि सांगला या आपका जो चक चुमरा है, जो कि फैसलाबाद से 25-30 किलोमीटर है, वो ऑलमोस्ट अब फैसलाबाद का ही हिस्सा बन जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वापरा सिटी है। और ये साथ साथ हम मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये आपकी फैसलाबाद और लाहौर आपकी हाईवे आ जाएगी। अगर हम इधर थोड़ा सा ट्रैवल करूँ इधर से, ये आगे देखें आप इंटरचेंज आ रहा होगा, और अगर यहीं से मैं यहाँ से राइट लूँ निकलूँ, तो ये मैं मोटरवे को टच कर जाऊँगा। फिर फ्यूचर में मैं आपके लिए ये डेवलपमेंट्स लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे कुछ थोड़ी न्यूज़ भी पड़ी है, मिली है और इस वाले से। और ये किनाल रोड के ऊपर ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पहले ही आइडिया था कि ये जो है वो किनाल रोड के ऊपर होना है, क्योंकि जो फैसलाबाद का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं प्रोजेक्ट्स की, खूब बड़े बड़े प्लाजे हैं या कैरेफोर है, लाइक वो आया, वो किनाल रोड के ऊपर है। तो ऑब्वियसली DHA और इसका एक और भी लिंक है कि ये बेसिकली फैसलाबाद इस तरफ की तरफ एक्सपेंड हो रहा है, जो फैसलाबाद का जो नया एयरपोर्ट है वो भी बेसिकली इसी साइड पे बनना है, ये तकरीबन वापरा सिटी के साथ इस इलाके में डेवलपमेंट होने वाला है। तो आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन सारी सबको होती है, इस वाले से वो अपना जो वेंचर है वो इसी इलाके में लॉन्च करेंगे, और जो सारी इंडस्ट्रियल स्टेट की डेवलपमेंट है वो भी इसी साइड पर हो रही है। तो ये आप समझ लें कि न्यू फैसलाबाद एक किस्म से बन जाएगा जब यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी।